हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर से थ्री शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी तीन शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिनमें सबसे पहली ट्रिक है प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, दूसरी ट्रिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के संस्थापक, और अगली ट्रिक है मौर्य वंश के शासक क्रम से। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं इन तीनों ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों, पहली हमारी ट्रिक है प्रमुख राजवंश के संस्थापक, और इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है पशु वाक सीसा विवाक। तो दोस्तों, पै से बना हमारा पुष्यमित्र, शु से बना शुंग वंश। तो पुष्यमित्र ने जो थी शुंग वंश की स्थापना की थी। वा से बना वासुदेव, कैसे बना कड़ंग वंश। तो दोस्तों, वासुदेव ने कड़ंग वंश की स्थापना की थी। सी से बना सीमुक, और सा से बना सातवाहन वंश। तो दोस्तों, सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। वी से बना विंध्य शक्ति, वाक से बना वाकटक वंश। तो दोस्तों, विंध्य शक्ति ने वाकटक वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रमुख राजवंशों के संस्थापक। दोस्तों, दूसरी जो हमारी ट्रिक है वह है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश व संस्थापक राजा की है, और इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों वो दो ट्रिक हैं। पहली ट्रिक है रदन चोवी चोवा होवी। तो दोस्तों, र से बना राष्ट्रकूट वंश, दन से बना दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो थी दंती दुर्ग ने की थी। चो से बना चोल वंश, वी से बना विजयाल्य। तो दोस्तों, चोल वंश की स्थापना विजयाल्य ने की थी। चो से बना चौहान वंश, वा से बना वासुदेव। तो दोस्तों, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। हो से बना होयसल वंश, वी से बना विष्णुवर्धन। तो दोस्तों, होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। अगला है दोस्तों, दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो है चाज पाओ पवी। तो दोस्तों, चा से बना चालुक्य वंश, जय से बना हमारा जय सिंह प्रथम। तो दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम ने की थी। पा से बना पाल वंश, गो से बना गोपाल। तो दोस्तों, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पै से बना पल्लव वंश, वी से बना विष्णु सिंह। तो दोस्तों, पल्लव वंश की स्थापना विष्णु सिंह ने की थी। दोस्तों, आज की तीसरी और आखिरी इस वीडियो की ट्रिक यह है मौर्य वंश के शासक क्रम से याद करने की, और इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वह है चंद्रबिंदु और अशोक कुद के समशा देव शतब्रह को। तो दोस्तों, चंद्र से बना चंद्रगुप्त, बिंदु से बना बिंदुसार, और जो है दोस्तों इसमें साइलेंट है। अशो से बना अशोक, कु से बना कुणाल, द से बना दशरथ, के जो है दोस्तों इसमें साइलेंट है। सम से बना संप्रीति, शा से बना शाली शुक्र, देव से बना देववर्मन, शत से बना शत धनुष, ब्रह से बना बृहद्रथ, और को जो है इसमें दोस्तों हमारा साइलेंट है, और ये हमने ट्रिक के लिए जोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी मौर्य वंश के शासक क्रम से याद करने की ट्रिक। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की तीनों ट्रिक्स आपको समझ में भी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। आपको ये तीनों ट्रिक्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके एक शेयर से आपके दोस्त की थोड़ी सी किस्मत बदल जाए, शायद उसको ये ट्रिक्स पसंद आ जाए और उसके एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा हो जाए।